हरे कृष्णा। तो पंचकोश विकास श्रृंखला के इस 19वें कड़ी में आपका स्वागत है। तो गांव का पंचकोश, इस विषय पर हमारी जो चर्चा है वो अभी हम जारी कर रहे हैं। तो पंचकोश के दृष्टिकोण से जब हम गांव को देखते हैं तो भारतीय जो नागरिक है वह अच्छी तरह से समझता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और गांव जो हम निर्माण कर रहे हैं उसका उद्देश्य वही होना चाहिए, यानी भगवान को जानना और उनकी सेवा करना। और उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए ही वे अलग अलग उपाय जो क्या हैं वो भी जानते हैं, और जो व्यर्थ है, जो प्रतिकूल है, उसको वर्जित करना, क्या क्या वर्जित करना है और क्या जो जो भी अनुकूल है उसका संकल्प लेना, तो इसका विवेक भी वो रखते हैं। तो वैदिक मूड क्या है कि ये हमारा गांव है, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के हम एक सदस्य हैं और हम इस प्रकृति के अधीन हैं, हम उसके सेवक हैं और हम इससे इसके द्वारा नियंत्रित भी हैं। परंतु आधुनिक मूड जो है, आधुनिक मूड क्या है कि ये जो प्रकृति है इस पर हमारा आधिपत्य है, हम इसका शोषण करेंगे, इसका भोग करेंगे और हम इसको नियंत्रित भी करेंगे। तो ये जो मूलभूत फर्क है आधुनिक विचार और वैदिक विचार में, ये फर्क हमें जान लेना चाहिए। तो एक गांव में जो केंद्र होता है वो होता है गांव का, पूरा गांव का केंद्र। मैं एक सदस्य हूं और अगर गांव की समृद्धि होगी तो मेरी भी समृद्धि होगी। परंतु यह विचार आधुनिक विचार नहीं है। आधुनिक विचार में बाकी गांव का जो कुछ भी हो जाए उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस मेरी समृद्धि हो जाए। मैं फलाना फलाना डिग्री लिया हूं तो मेरा यह अधिकार है। तो अधिकार एक तो होता है अधिकार, एक होता है हक। तो अधिकार कब आता है? जब कर्तव्य बोध हो तो उसके बाद अपने आप अधिकार वो अधिकारी बन जाता है उसका। और हक यानी आप अधिकारी हो या मतलब आप क्वालिफाइड हो या ना हो, देयर इज क्वालिफिकेशन एंड देयर इज राइट। राइट यानी हक और क्वालिफिकेशन यानी जो मेरा अधिकार है, जो मैंने अपने कर्तव्य पूरा करने के बाद जो मुझे प्राप्त हुआ है तो वो मेरा अधिकार है। तो वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए सेवा गांव में जो विशेष कार्य है, लोग सेवा भाव में हुआ करते थे। और गांव के जो चार स्तंभ है, तो सबसे पहला है धर्म व्यवस्था, फिर है अर्थव्यवस्था, फिर शिक्षण व्यवस्था और राज्य व्यवस्था। ये चार व्यवस्थाएं जब तक ठीक तरह से न चलती हो, विवेकपूर्ण शास्त्र के, गुरु के आधार पर, संतों के, साधुओं के आधार पर जब तक ये ठीक तरह से नहीं चलते हो, तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता है। तो विद्या और शिक्षण, इसका जो प्रयोजन है वो भौतिक समृद्धि है, और ज्ञान और धर्म का जो प्रयोजन है वो आध्यात्मिकता है, यानी परा। सभ्यता का मूल वो अर्थव्यवस्था है और संस्कृति का मूल होता है सौंदर्य दृष्टि, और वैसे ही परंपराओं का मूल तत्व ज्ञान है। तो हमारे भारत में जब आनंद की खोज होती है तो वो केवल बाहरी आनंद को नहीं खोजते हैं, वो गहरी उस खोज को जो है वो बहुत गहरी तक ले जाते हैं। तो भारत में परम अर्थ को जानने के लिए, परम सौंदर्य को जानने के लिए और परम तत्व को खोजने के लिए हर वक्त सब कोई प्रयत्नशील रहते हैं। और इसीलिए भारत में इस परम तत्व, भगवान श्री कृष्ण परम तत्व है, भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण परमार्थ, उनके चरण कमल परमार्थ है। तो इनको प्राप्त करना, यह जब गांव का उद्देश्य बन जाता है तब ही हम वसुधैव कुटुंबकम, यह जो सूत्र आया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है ये भगवान श्री कृष्ण का कुटुंब है, और तब ही सारे
व्यक्ति सारे प्राणी मात्र एक परिवार की तरह प्रेम से रह सकते हैं। उसके लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? अगर किसी को पूछा जाए भारत में तो कहते हैं इज्जत की रोटी मिल जाए। तो ये दो पहलू बहुत जरूरी है, ये दो आवश्यकताएं, बस ये अगर हमें प्राप्त हो जाए, सबसे पहला है आहार, दूसरा है सम्मान। अगर आहार और सम्मान अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जाए तो व्यक्ति जब शिक्षण लेगा तो वो शिक्षण किस लिए लेगा? केवल भगवत प्राप्ति के लिए लेगा, केवल आध्यात्मिकता के लिए लेगा। परंतु आज के तारीख में ये दोनों भी कठिन कर दिए गए हैं। केवल रोटी के लिए कई दूर तक सफर करना पड़ता है, और सम्मान, सम्मान के लिए संस्कृति बची ही कहां है। तो फिर ये जो सम्मान है, ये हमें अगर प्राप्त करना हो तो हमें जानना चाहिए कि आदर, सम्मान, प्रेम, यह आत्मा की वास्तविक आवश्यकता है। तो आदर प्राप्त करना, ये अपने या देना, दूसरों को आदर देना, यह हमारी वैधानिक स्थिति है। तो भारतीय परिवार, भारतीय समाज, भारतीय देश, इसका एक विशेष गुण ही है आदर करना। तो केवल मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव नहीं। अगर कोई दुश्मन भी हमारे घर में आ जाए तो उसका भी सम्मान करना, यह हमारी संस्कृति है। तो हमारे गांव में बहुत सारे लोग अलग अलग कारीगर हैं, तो जैसे शूद्र इनको कहते हैं, शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और ब्राह्मण, अलग अलग वर्णों के अलग अलग कार्य होते हैं, परंतु सम्मान सबका। तो पिछले कड़ी में हमने देखा कि 16 संस्कार, तो ये 16 संस्कार द्वारा गांव के सारे लोगों का सम्मान उन 16 संस्कारों में होता है। जैसे अलग अलग कारीगर हमने देखा है, देखते हैं कि अलग अलग कारीगर हैं, जैसे भंगी है, कुम्हार है, नाई है, चूड़ी वाला है, सोनार है, लोहार है, पाटकर है, खाटकर है, चमार है, दर्जी है, सुतार है, धोबी है। ये सारे जो लोग हैं, ये कार्य करने वाले लोग, ये सेल्फ एम्प्लॉयड, इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। और इन सब का जो कार्य करने के पीछे का जो उद्देश्य था, वो लोभ नहीं था, वो लाभ था। लाभ के लिए वो कार्य करते थे। और लाभ किस चीज का लाभ? उनको जो धन था वो संबंधों का धन था। तो उसके लिए, जैसे जातक कर्म अगर हो, बच्चा जन्म जब लेता है तो उस वक्त सफाई वाली की जो पत्नी है उनको बुलाया जाता है, और पहला नाक साफ करने का, बच्चे का पहला नाक साफ करने का जो अधिकार है वो उस सफाई वाले के पत्नी का रहता है। तो पूरा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सारा परिवार जो है उस व्यक्ति के लिए रुकता था। भाई जल्दी आओ, आपकी आवश्यकता है। और फिर वो आती थी, वो नाक साफ करती थी, सब पूरी तरह से उनको नहलाती धिलाती, फिर उनकी आरती होती थी कि आप हमारी जब आवश्यकता थी तब आप आकर खड़े हुए, हम आपके ऋणी हैं। उनका सम्मान होता था, उनको भेंट दी जाती थी और शिधा और ये सारे चीजें उनको देकर उनको सम्मानित किया जाता था। तो इट इज नॉट अ बार्टर सिस्टम। नाक साफ करने के लिए इतना सब कुछ नहीं है। यहाँ पर जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो प्रेम का संबंध है। वैसे ही जब कर्णवेदन संस्कार है तो सोना रहता था, वो केवल छिद्र नहीं करता था। आजकल छिद्र करके चले जाते हैं, पिताजी सोना डालते हैं, उस वक्त वो सोना भी डालते थे। वैसे ही नामकरण संस्कार के वक्त स्वयं सुतर अपना हाथ से बना कर लाता, मेरे गांव का बच्चे का जन्म हुआ है, वो खुद वो उस पालने को बना कर ले आता था, फिर उसकी भी आरती होती थी। वैसे ही अन्नप्राशन के वक्त कुम्हार को बुलाया जाता था, उसका सम्मान होता था अपने पत्नी के साथ, क्योंकि अगर इफ देर आर नो पॉट्स, हाउ आर वी गोइंग टू कुक द फूड। तो वह जो वो बनाते थे, इसीलिए वे पूरा परिवार उनका ऋणी भाव जो है वो व्यक्त करते थे। तो इस प्रकार से जब बच्चा देखता है बचपन से,
जब बड़ा हो जाता है तभी उसको बोलते हैं, ए ठीक तरह से बात कर उनके साथ, पहले नाक तेरी साफ उसने की है। मतलब वो सफाई वाला जो है उनके प्रति भी आदर का जो भाव है वो उस बच्चे को बचपन से ही वो शिक्षा संस्कार उस पर होता था। तो एक बच्चे को बड़ा करने के लिए सर्व सबके प्रति सम्मान की जो भावना है वो अपने आप वो उस गांव में सीखता था। तो बच्चों को की परवरिश के लिए केवल माता पिता नहीं एक गांव की आवश्यकता होती है। ये जो बात हम कहते हैं वो सही है। तो इस प्रकार से सरल रहना और उच्च विचार सरणी, ये जो सूत्र है ये बहुत अच्छी तरह से हम गांव के जीवन में हम देखते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो उसमें वैदिक काल में कोई आपण कोई दुकान नहीं थे, कोई होटल नहीं थे, कोई पुलिस स्टेशन नहीं थे। आज भी अगर हम जाएंगे तो कोकण के बहुत सारे गांवों में आज भी पुलिस स्टेशन नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। फिर कोई बैंक नहीं है, नो लेबर क्लास, फिर नो ओल्ड असाइलम्स, वृद्धाश्रम नहीं है, फिर वैसे ही इंश्योरेंस कंपनियां नहीं है और गौशालाएं नहीं है। हर एक के घर में गाय होती थी, गौशाला की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो मतलब ये सारे जो आज हम जी रहे हैं ये एक कृत्रिम जीवन है, इट इज आर्टिफिशियल लिविंग। परंतु एक गांव का जो जीवन है वो वास्तविक जीवन, जो पंचकोश पर आधारित रहता था, उसमें ही वास्तविक प्रगति व्यक्ति की होती थी। भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रगति तथा आध्यात्मिक प्रगति। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।